नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, दुबई से रिलेटेड आपको पता है बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि दुबई का सिर्फ और सिर्फ विजिट वर्क आपको पता है चल रहा है। यहाँ से जितने भी इंडियन लोग जाते हैं सिर्फ विजिट वीज़ा में जा रहे हैं, उनके साथ में वहाँ पर क्या हो सकता है इससे हम डिटेल से बात करेंगे। हालांकि दो तीन वीडियो मैंने पहले भी बनाई इससे रिलेटेड, लेकिन अभी फिर मेरे पास ये एक और एक घटना आई है मेरे साथ में। बता दूं इंडिया से, मैं बता दूं 31 जनवरी को 8 इंडियन लोग जो बिहार साइड के थे वो दुबई पहुंचे थे विजिट वीज़ा में। जी हाँ, उनके साथ क्या घटना हुई, ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। इससे बढ़िया है कि इससे पहले ये घटना घटे, इससे पहले आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, इसलिए वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई देखिए, बता दूं 31 जनवरी 2021 को 8 इंडियन लोग दुबई पहुंचे थे विजिट वीज़ा में दिल्ली से दुबई के लिए। जी हाँ, उनके साथ में उनको बता दूं 25,000 रुपये इंडियन करेंसी प्लस रहना प्लस खाना, ये उनको बताया गया था एजेंट के द्वारा, और जो बताया गया था कि भाई पाइपलाइन का उनको काम करना रहेगा। जी हाँ, तो 8 बंदे खुशी खुशी चले गए वहाँ पर। उनको काम थोड़े दिन तो उनको बिठा के रखा। आप सबको पता है ये विजिट टू वर्क, ऐसे एजेंटों के साथ अगर आप जाओगे तो बैठना पड़ेगा आपको, किसी को 15 दिन, 2 महीना, लोगों को 3-3 महीने तक लोग बिठा के रख लेते हैं। जी हाँ, इससे मैं बता दूं कि इनको बाद में काम पाइपलाइन का इनको काम नहीं मिला, इनको हेल्पर का काम दे दिया गया। जी हाँ, अब भाई हेल्पर का काम देने पे इन्होंने मना कर दिया कि भाई हेल्पर का काम हम नहीं करेंगे, हम तो पाइपलाइन के काम में आए थे, वही काम हम करना चाहेंगे। तो भाई इन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो कंपनी ने, ये विजिट में थे, वीज़ा इनका लगा नहीं, तो कंपनी ने इनका रहना खाना बंद कर दिया। जी हाँ, खाना पीना बंद कर दिया, पैसा इनके पास था नहीं, तो कुल मिला के ये लोग फंस गए। जी हाँ, और फंस गए, आपको पता भूखे मरने की नौबत आ गई। बंदा विदेश की धरती पे, पैसा नहीं है वहाँ, तो पैर रखने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, खाना खाए कहाँ से, चलो रहने को मिल जाता है लेकिन खाना तो चाहिए ना, फ़ोन करने को वगैरह वगैरह पैसा तो लगता ही है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा, कंपनी ने वीज़ा भी नहीं लगाया, रहना खाना इनका बंद कर दिया। तो फिर इन्होंने अपने घर पर बोला, 2-3 महीने इनको निकल गए, और फिर वहाँ के विधायक ने बोला, विधायक ने इंडियन एम्बेसी दूतावास में को संपर्क कर करा के कैसे भी करके इनको इंडिया वापस बुला के लाए। जी हाँ, यहाँ पे कहने का मतलब मैं बता दूं भाई, आप अगर दुबई जा रहे हैं विजिट वीज़ा में जाइए, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए मैन पावर ऑफिस के द्वारा ही आपको जाना चाहिए, जिसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि मैन पावर ऑफिस एक रीजनेबल अथोराइज एजेंसी होती है, जो भारतीय दूतावास द्वारा, मान लो विदेश मंत्रालय में उनका लाइसेंस रजिस्टर्ड होता है, कल को आप उनके द्वारा जाते हो तो आपको कई बेनिफिट होते हैं। मान लीजिए आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा है, आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है, आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये मैन पावर रजिस्टर अथोराइज होते हैं, इनके पास पावर होता है, खुद की ऑफिस होती है यार, खुद का रजिस्टर्ड मैन पावर लाइसेंस लेके बैठे हैं, 50-60 लाख रुपये लाइसेंस के लगते हैं, तो ये लोग आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये भेजते भी आपको कैसे हैं, ये नहीं भेजते एजेंटों के द्वारा कि यहाँ एजेंट को आपने पासपोर्ट दे दिया, उसने तीसरे दिन वीज़ा दे के दुबई भेज दिया, दुबई में आपको एजेंट रिसीव करने आता है, वो आपको मकान पे लेके जाता है, 10-15 दिन बैठा के रखता है, फिर आपको इंटरव्यू देने के लिए लेके जाता है, फिर वो तीसरे के हवाले आपको कर देता है, ऐसा मैन पावर में नहीं होता है, वो डायरेक्ट उनका कंपनियों के साथ लिंक होता है, आपको सबको पता है। ठीक है, वर्क परमिट बंद है तो कंपनियां इनसे अथोराइज करती हैं कि भाई ठीक है, हमें 200 बंदे, 500 बंदे, 100 बंदे, 50 बंदे चाहिए, तो इनका कॉन्टैक्ट होता है, वर्क अग्रीमेंट हो जाता है, तो उस हिसाब से ये बंदे आपको विजिट में भेज देते हैं, कंपनी जाते हैं आपका वीज़ा लगा देती है। तो हमेशा जाओ तो भाई मैन पावर ऑफिस के द्वारा जाओ, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिए, अवॉइड करिए, वरना ये 8 लोग जो फंसे थे ना, ये आप भी इसमें फंस सकते हैं। बस यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।